That guy is really enjoying, man. बाबा जी भोलेनाथ का मंदिर है। पानी है। ओहो गरम पानी है भाई काफी। गरम कौन? ये वहाँ जाना है अभी। यहाँ खड़े हैं जो। Where are you from? तमिलनाडु। इतनी हाइट पे आके मेरा कान बंद हो रहा है। एक हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। मेरा है मनाली में आज वैसे दूसरा दिन और एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ आज मैं। और सबसे पहले सभी भाइयों को और उनकी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज है राखी और मैं हूँ मनाली में अपने घर से 350 किलोमीटर दूर और टाइम हो गया है लगभग 1:15 हो गया। एक्चुअल में हमें आज सुबह निकलना था हम्पटा पास के लिए, बट रात से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह तो बहुत ही हो रही थी, बारिश अभी रुकी है 11:30 बजे तक। तो अब हम तैयार श्यार होके अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबे? हम जा रहे हैं तेल लगवाने। अरे बता यार, हम जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल। हाँ हम जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल और वशिष्ठ टेम्पल। यहाँ से लगभग हमें 3 घंटे लग जाएंगे, जिसमें पैदल भी चलना है थोड़ा और ट्रैकिंग भी होगी। चलो फिर चलते हैं। गलियां देखो यार, यहाँ की गलियां और घर, हाय 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 क्या शानदार नज़ारे हैं। शहरों की भीड़ भाड़ से ये गांव की, गांव तो नहीं, यहाँ गांव टाइप ही बना हुआ है। यहाँ की शांति कितनी बेस्ट। कहाँ चलना है? इधर ले ले ले, ये मेरे साथ जा रहा है मेरा बाबा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है तू, मेरी लंगोटी, मैं और बाबा। साला पागल, मैं और बाबा जा रहे हैं अब वशिष्ठ टेम्पल, वहां चल के दिखाते हैं आपको नजारा वहां का। बाकी इसने पहाड़ों में ले रखा है घर, पहाड़ों में गहरा, पहाड़ों में तो है ही, ले ही रखा है सबसे ऊपर लास्ट में कॉर्नर। यहाँ से बस नीचे आ जाएगा माल रोड, उसके बाद फिर चलते हैं क्रॉस करके वशिष्ठ। ये माल रोड से ये जा रहा रास्ता वशिष्ठ टेंपल की तरफ। ये माल रोड से रास्ता आ रहा है और ये जा रहा है ले हाईवे, यही रास्ता जा रहा है वशिष्ठ मंदिर की तरफ। ये आ रही है ब्यास नदी। यहाँ से अटल टनल रोहतांग 24 किलोमीटर और ले है 4 to 6 किलोमीटर। और यहाँ नदी देखो, ब्यास नदी का प्रेशर, शायद पीछे शोर आ रहा होगा नदी का, आपको देखना कैसे चल रही है पूरी। ओहो चप्पल गिर गई, ये पता नहीं शायद मैकेनिक होगा। ओ दूसरी भी गिर गई, गेर थी इसने क्या? हाँ हाँ चप्पल फेंक दी। छलांग तो नहीं मारेगा? गारंटी थोड़ी है इस कार की भाई, करंट भी आ सकता होगा इसमें कि नहीं? हाँ अच्छा अच्छा, सामान सामान कुछ इधर से उधर नहीं, पैप को रोकने के लिए लगाई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाइट ट्रॉली पहले किसी समय पे आर पार करते थे। अच्छा ये भी ट्रॉली, पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है।
ये रहा, एक सामने से आ रहा है यहाँ से, एक उधर पीछे से आ रहा है इधर साइड से, और ये अभी अभी यहाँ पे, अभी अभी तो नहीं मतलब यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो चुकी है पानी की वजह से। पहाड़ों पे मैंने यार एक चीज़ देखी है, यहाँ पे रिस्क है रहना, और अब मॉनसून चल रहा है। कल मैं जब आ रहा था काफ़ी बंदों ने कहा कि ये टाइम है नहीं घूमने का, क्योंकि इस टाइम कुछ नहीं पता होता। बारिश तो रेगुलर चल रही थी है, बारिश के कारण ना यार ये लैंडस्लाइड हो ही जा रहा है यहाँ पे कहीं कहीं। एक बार तो मैं भी मन में डर सा रहा था, मैं भी कि मैं कहा यार कुछ भी हो सकता है, बाकी भोलेनाथ पे विश्वास है, उसका नाम लेके चल पड़ो बस, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। उपाशी, पैंग, सरचू, पत्सियो, बारालाचा, नाम यार ये सुन के ना इतनी मन में नाम सुन के खुशी होती है मुझे, पता नहीं क्यों। इन नामों से पहले इधर से चलना, चलो पहले बुंतर का नाम सुनता था ना मैं, बुंतर वर्ड ही इतना अच्छा कि मतलब मन में ही होता था यार बुंतर, वहाँ जाएंगे, कसोल, मिनी इज़राइल जाना यार इन जगह पे। और अब इनके नाम है जो ले जाते हुए आते हैं, बारालाचा है ना, नाम कैसे बढ़िया है। उस जगह पे पहुँच के एक अचीवमेंट मिल जाएगी मुझे कि हाँ यहाँ पहुँच गया मैं। ऐसी ऐसी कुछ जगहें हैं उनके नाम सुन के ही मतलब मैं ऐसा होता हूँ कि यार यहाँ पहुँचना, यहाँ जाना, मुझे नहीं पता कि जगह वो कैसी होगी कैसी नहीं। सरचू, ये रास्ता चला गया ले की तरफ, यहाँ से ये रास्ता आ रहा है, ये जा रहा है ऊपर वशिष्ठ की तरफ। ये है बैग पैकर्स स्पेशल स्टोर फॉर ट्रैकर्स। कितने साल हो गए होंगे इसको? 30 साल। इंजन भी है। हाँ, ओल्ड बना लिया, वो ओल्ड बना लिया सारा। रिवर के उस साइड, और हम किस तरफ से हैं? जो स्तंभ दिख रहा ऊपर मंदिर, कहाँ पे है मंदिर का स्तंभ? नहीं दिख रहा, कहाँ है? पहाड़ के ऊपर, लास्ट गांव, लास्ट घर, जो सेंटर में देख, लास्ट घर। हाँ हाँ हाँ, स्तंभ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा, ये सारी ओल्ड मनाली, और हम इधर से आए रिवर के इस साइड से, मनाली से, और ये लग रहे हैं सारे सेब। जन्नत, यहाँ से मतलब टोटल 3 किलोमीटर की हाइकिंग है, उसके बाद 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। अगर मैं अकेला आता तो मैं ही हिचहाइक करके आ जाता, बट अब बाबे के साथ आए तो मैं कहा चलो हाइकिंग कर ले थोड़ी सी, उसके बाद ट्रैकिंग करेंगे। ये है वशिष्ठ टेंपल, और अभी ऊपर है जोगनी वाटरफॉल। ये है भोलेनाथ का मंदिर, 1 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा। बाबा जी, भोलेनाथ का मंदिर है ये? कितने साल पुराना है? सत्युग का। और आप कब से हो यहाँ पे? आप कब से हो यहाँ पे? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 3 साल। 3 साल? 30। ओके, अभी मंदिर बंद है? खुला है। जय महादेव, जय भोले भंडारी। श्री राम टेम्पल, ये है मंदिर वशिष्ठ टेम्पल। जय महादेव। मंदिर बंद है। मंदिर तो बंद है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर।
अंदर गर्म पानी आता सारा देखना। हाथ लगा के देखे, ये सारा कह रहे हो गर्म पानी है। ओहो गर्म पानी है भाई काफी। है हर घर की टूटी में गर्म पानी आता है। अच्छा ये विशिष्ट में है इधर मंदिर के आसपास पूरे विशिष्ट में। वो क्यों भगवान की वो नहा भी सकते हैं। ये है गर्म कुंड। ये फिल्म लॉन्च होएगी बॉलीवुड में। कह रहे फिल्म बना रहे अंकल। ये था गर्म पानी का स्रोत। चलो अब चलते हैं, यहाँ देर ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अब चलेंगे जोगनी वाटरफॉल पे। मंदिर बंद था और यहाँ पे वाइब थी नहीं कि वहाँ कुछ नहाया जाए या कुछ किया जाए। चलो अब चलते हैं फिर। अंकल ऐसा क्यों है कि यहाँ पे गर्म पानी है सारा? पूरे वशिष्ठ में ही गर्म पानी है? ये बस इसी एरिया में, मंदिर के आसपास के एरिया में। और ये आ कहाँ से रहे? जमीन से आते हैं। जमीन से? ऐसा क्यों है गर्म पानी क्यों आते हैं? क्या पता उनको दर्द की माया है। अच्छा किसी को पता नहीं अभी तक? क्या कोई पता नहीं, किसी ने खोज दिन के कब से आ रहे हैं। अच्छा कई परसोरी से। और ये मंदिर बंद क्यों पड़ा? दो से तीन बंद रहता है। अच्छा ये भी भोलेनाथ का मंदिर है? अच्छा गुरु किन के? राम के गुरु। अच्छा अच्छा राम भगवान के गुरु यहाँ रहते थे? गुरु शिष्य नहीं रहते थे, इनका स्थान ही यहाँ पर। ओके ओके ओके। और ये है श्री राम जी का मंदिर। मंदिर ये भी बंद है क्योंकि टाइम 3 बजने वाले हैं। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना वे भी बा साडा दिल मोड़ दे। आवाज देखो पानी की झर 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 झर। पूरा शांत माहौल, पक्षियों की आवाज और पानी की आवाज और हवा की आवाज। हाय 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 सुकून देती है यार। ये रास्ते में बने हुए हैं छोटे छोटे कैफे। मंजिल में क्या रखा है, रास्तों का मजा लो। अभी ये स्मॉल ट्रैकिंग है और जब खीर गंगा की ट्रैकिंग करेंगे हाय हाय हाय। ट्रैकिंग जबरदस्त। शुक्र है आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ। जिस हिसाब से बारिश चल रही थी। ये क्या चीज है? रोप पे। अच्छा उधर जाने के लिए दो रास्ते हैं। अभी बंद पड़ा है क्योंकि इस टाइम थोड़ा टूरिज्म कम है क्योंकि सीजन ख़त्म हो चुका है, बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो इस टाइम कम आते हैं। अब आएंगे विंटर्स में। अब शुरू हो चुके हैं जंगल पूरे आगे देखो। ये
मेरा अब तक का बेस्ट सफ़र, फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहा हूँ और फीलिंग बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग यार, मज़ा आ गया यहाँ आके कि नेचर, स्कूल, आना वर्थ हो गया। ओहो, वो दिख रहे लग गया, ये पीछे से दिख रहा था बट हाँ मंजिल, ये पीछे से दिखना शुरू हो गया था बट मैंने कहा था क्लोज से जाके देखेंगे। ये हाय 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 हाय, अभी हम बहुत क्लोज जाने वाले हैं इसके बिल्कुल टॉप पे। ओ हो जन्नत, ये हाउ इज यू? फाइन यू? आई एम आल्सो फाइन। वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। ओ नाइस। ओ इफ यू वांना गो अप देन कम। थैंक यू। मेबी नेक्स्ट टाइम, मेबी नाउ, आई डोंट नो। नॉट नाउ? मेबी नॉट नाउ, मेबी नॉट नाउ। व्हाई? Because my wife don't like far places. Okay. चलो okay. मैंने इनको कहा अगर तब जग रहा है मेरा। Shut up. मैंने इनको कहा अगर आपने यहीं से सिर्फ देखना है तो बस यहीं तक ही है, रास्ता खत्म है। अगर आपने और ज़्यादा ऊपर जाना है तो आप इस रास्ते से आ सकते हो, ये पूरा ऊपर जाएगा। बट वो बोले नहीं, मेरी वाइफ अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए, और वो कह रहे मैं नेक्स्ट टाइम देखूँ अगर अकेला आया तो फिर चला जाऊँगा ऊपर। हाँ, इधर से आना तो ऊपर जाओगे, वहाँ ख़त्म है रास्ता। हाँ, और ऊपर दो रास्ते हैं। ओके, वो जो कैफे में मिले थे पीछे, जिनको कहा था आगे भी है खाने पीने का, अगर मैं अकेला आता तो मैं भी शायद रास्ता ढूंढ ना पाता। ये बाबा यहाँ रहता है, ये बहुत बार आ चुका है इधर, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है कि मैं ऊपर जा पा रहा हूँ। मेरे पीछे है वाटरफॉल, काफ़ी हाइट पे आ गया हम, वहाँ तक जाना है हमें एंड तक, बट अब थोड़ा थका मैं, पहले सही आ रहा था, सीढ़ियाँ बड़ी छोटी छोटी आ गई, फिर भी चलते हैं। वहाँ जाना है अभी, यहाँ खड़े हैं जो हो, फिर वाटरफॉल हो, पसीने आ गए, बस वापसी में बारिश ना हो, बारिश में ये सारा रोड खराब हो जाएगा, हो सारा रास्ता जो है पानी पानी हो जाएगा। देखो कैसा रास्ता शुरू हो गया, हो इतनी हाइट पे आके मेरा कान बंद हो रहा है। एक कल भी जब मनाली में एंटर हुआ था एक कान बंद हो गया था, पता नहीं है मेरे साथ अब होने लगा, शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी हाइट पे आया मैं और यहाँ पैर फिसलने शुरू हो गए। है ठीक है, पैर फिसल सकते हैं, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, बड़ा डेंजरस रास्ता है। पेड़ टच हो रहे हैं, वैसे जंगलों में पेड़ टच नहीं होने देने चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता किस पेड़ में जहर होता है।
अब तो यूं है वापसी के लिए कोई पैराशूट दे दे और सीधा नीचे उसी से चले जाएंगे। हो बड़ी हाइट होगी। चल 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 रुक मत बाबे। हो आज का ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। जय महादेव कृपा करना। अभी से ही हाल है खीर गंगा ट्रैकिंग पे, तो यार पता नहीं क्या होगा, शायद 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। वहां करेंगे रात को कैंपिंग भी। ठीक है चल टॉमी चल। एज यूजुअल पहाड़ों में एक डॉग मिलता ही मिलता है जो आपको रास्ता दिखाता है। हाउ इज यू What's going on? What's going on? Tracking. Where are you from? Okay, what's your name? Okay, nice to meet you. See you. Foreigners मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यार। आज से नहीं कि मैं vlogging कर रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ। मेरी family जानती है बचपन से। मैं जब कहीं जाता था छोटे होते अपने घर वालों के साथ, मेरे मन में एक जिद होती थी कि मुझे फॉरेनर्स के साथ। उस टाइम इंग्लिश का इतना था नहीं, अब भी कोई है नहीं खास, आती नहीं है मुझे जो टूटी फूटी आती है। उस टाइम मैं घर वालों से जिद करता था मुझे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाओ छोटे होते। मेरे रिलेटिव्स को भी ये बात पता है। मैं कभी दिल्ली जाता था बंगला साहिब वगैरह या कहीं ऐसी जगह गया जहाँ मुझे अंग्रेज मिल गए, चाहे एक दो भी मिले, तो मैं ऐसे हो जाता था यार अंग्रेज। मैं उनके आस पास से हटता ही नहीं था। अब बात करके इनसे अच्छा लगता है यार, ये बहुत ओपन होते हैं बंदे कि जिंदगी जियो, और ऐसे बंदे बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक टू फॉरनर्स। ये मैन फाइनली पहुंच गया अपनी मंजिल की तरफ। ये वहाँ से झरने मेरे फेस तक छिंटे आ रहे हैं ठंडे ठंडे। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नहा भी सकते हैं। चलो फिर सारा कवर करके हम पहुँच चुके हैं फाइनली। ये केयरफुली केयरफुली स्लिपरी या ये है जन्नत। हो हो दैट गाय इज रियली एंजॉयिंग मैन। ये यहाँ आगे खुशी मेरी कहीं गुना बढ़ चुकी है। मैं घर से नहा गया हूँ फिर भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी नहा लूँ। आगे वहाँ चलेंगे हम वहाँ। यो यो एंजॉय 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 फुल ये नंबर बिल्कुल। चार्जिंग कम है। What's the name of your YouTube channel? Make it vlogs. Make it vlogs. Where are you from? Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah, yeah, yeah. My subs. Solo all India ride. Yeah. Subscribe. I am traveling without money and by hitchhiking. I am from Ambala, okay. Haryana. Yeah. Hitchhiking and yeah, yeah, yeah. traveling. Yeah, yeah, yeah. Okay. Without money. Yeah. Okay. Bye. 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 We'll see you.
चक्कर। फाइनली हम पहुंच गए जो मेन हमारी मंजिल थी आज की, लेते हैं सब करें, जो आज की मंजिल थी हम वहाँ पहुंच गए। ये था जुगनी वाटरफॉल, इसी के लिए ट्रैकिंग करके आ रहे थे। और मेरे को लग रहा है हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, हम टाइम से निकल जाए, 4:30 बज चुके हैं, और ज़्यादा लेट करें ज़्यादा होगी, उतरना मुश्किल हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा सारा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हम वाटरप्रूफ भी कुछ बैग नहीं लाए, कोई पॉली बैग भी नहीं हमारे पास। तो ठीक है फिर, ये व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो चुका है और इंटरेस्टिंग भी है, तो मेरी वीडियो ये मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और अब हम जाके अपना रूम पे सोएंगे या जो भी करेंगे, बस आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है मेरा। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बने रहे एक्सप्लोर विद सीम एक्स के साथ, और भी बहुत कुछ नया आने वाला है मेरे चैनल पे। ये स्टे ट्यून्ड। जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल था उससे ज़्यादा उतरना मुश्किल होया पड़ा है। कुछ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और स्लिपरी तो हो ही गया, ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा वेट पड़ता है तो डर लग रहा है थोड़ा उतरने में। शुक्र है मेरे सैंडल थोड़ा ग्रिपी से हैं, कि मतलब ग्रिप बन रही है, अदरवाइज सीधा पैर स्लिप होता जाता। वापसी में आते हुए बारिश हो गई थी तो उन्होंने सोचा लिफ्ट ले लें, तब भाइयों ने, पहली भाई चार थे, थैंक यू भाई कैमरा शाही है, तो पहली चार थे, फिर भी भाइयों ने हम दोनों को एडजस्ट कर लिया। इतनी काइंडनेस है यार हिमाचल के लोगों में, थैंक यू सो मच ब्रदर, ट्रैवल विदाउट मनी।